बनवा दूं क्या मैं इसको? नहीं नहीं, ये इसके चक्कर में ये, लेकिन आप ले लो। तो फिर ये मेरे पास बाय द वे, ये कुछ अल्कोहल नहीं है, ये सिर्फ है इमली, पानी और चीनी। इसको आप 3 दिन बॉटल में रखिए, आपका होम मेड एकदम सोडा बन जाता है। कोका कोला खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। एनीवे, कल का जो हम अपडेट शूट करते हैं उसी के अंदर ही 5 रेस्क्यूज की उसी दौरान बात हो गई थी, तो पांचों आ गए हैं। नहीं सर, 4 आ गए हैं, 5वे को अभी लेने गए हैं संजय जी। हमारा जो हॉर्स आया था कल, उसके लिए मुझे काफी 3 हफ्ते से आई गेस कॉल आ रही होगी, लेकिन हमने हर बार फॉलो अप लिया है कि आप लोकेट करके रखिए, हम आते हैं। जब हम उनको बोलते हैं कि हाँ एनिमल है कि नहीं आप देख लो, उत्तर में वो हर बार ये जवाब आता है कि नहीं नहीं उसको तो ले गए हैं उसके ओनर। दूसरी बार ये आया कि नहीं उसके ओनर उसकी ट्रीटमेंट करा रहे, ओनर भी मिल गए। तीसरी बार ये आया कि उसको आके ले गया है यहाँ से। ऐसे करते करते इतना टाइम बीत गया है, फालतू थे 7-8 घोड़े हैं उनके पास, पर वो उनको बोला कि ठीक करवा दो, इसका इलाज करवा दो, है ना, चलो पैसे कमा के दे रहा है तो फिर कुछ इसके ऊपर भी खर्च के ऊपर नहीं, मेंटालिटी नहीं है, छोड़ दिए बस। हमारा कंडीशन दिन पर दिन उसकी बहुत खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसका एक पैर जो निचला हिस्सा था, फेटलॉक वाला जो हिस्सा था, वो पूरी फेटलॉक वो पूरी तरीके से सड़ चुका था, और जो दूसरा पैर है वो टेढ़ा हो गया था, वो चल नहीं पा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आप ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे हो? उन्होंने बस बोला कि करवा रहा हूँ, पर वो करवा नहीं रहे थे। मैंने इसकी हालत देखी, फिर मैंने उनको बताया कि हम आपके कहते हैं हेल्प कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आप फिर से चाहे इसको अपने पास रख लीजिए ट्रीटमेंट के बाद, पर उन्होंने बात नहीं सुनी और वो बस इग्नोर ही मारा, इग्नोर कर चले गए। उसका वेट बिल्कुल एकदम ज़ीरो हो गया था, बहुत ही पतला हो गया था वो, इसलिए हमने फिर वहाँ भेजा, लेकर भी आ गए, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी। हम लोग मॉर्निंग में आए तो वो तो था नहीं, तो यही अगर लेकिन टाइमली अगर आ गया होता। हाँ, शुरू में जब इंजरी हुई थी तो ये ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाली बात है। एक हमारा ये बैल आया है जिसका गले में किसी ने बहुत टाइट रस्सी बांधी थी, किसी ने बांधा हुआ था ना, वो रस्सी उसके गले के अंदर ही चला गई है, मांस के अंदर ही, आज पकड़ा सुबह। जिसका कारण ऑब्वियस है कि खेत में जाता होगा, लोगों को यही आता है कि भाई या तो गले में वो लक्कड़ बांध दो बड़ा वाला वेट वाला, या तो पैर बांध दो, या तो गले में रस्सी बांधी होगी टाइट से और ये वुंड बन गया। तब उन्होंने हमें कॉल कर दिया कि अब ट्रीट, क्योंकि बदबू आ रही थी ना बहुत ज्यादा, क्योंकि इस समय लोगों ने ना धान लगा रखा है, और ये जो पशु होते हैं जब खेत में घुसते हैं तो उनका नुकसान होता है, तो वो कंट्रोल करना चाहते हैं, पर वो जिन तरीकों से कंट्रोल करते हैं ना, उस तरीकों से पशुओं की बहुत ज्यादा दुर्गति हो जाती है। तीसरा केस हमारा एक स्किन कंडीशन डॉग है जिसको भी हमने नगरोटा से ही ले लिया। उसके शरीर में एक भी बाल नहीं है, हालांकि कोई मिक्स्ड इन्फेक्शन नहीं है, सिंपल मेंज है उसको, लेकिन उसको हीलिंग में समय लगेगा हेयर ग्रोथ में। कि अगर आप फीड करते हैं ना अपने यहाँ के एनिमल्स को, अगर आप थोड़ा थोड़ा कोई विटामिन सी का सोर्स ऐड कर दें, थोड़ा आंवला पाउडर ऐड कर दें, थोड़ा सा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो डॉग खाना नहीं खाएंगे, तो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मेंज नहीं होगी, क्योंकि ये माइट्स तो हर डॉग्स में ही होते हैं, पर मेंज तब होती है जब डॉग का इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड होता है, वीक होता है, करेक्ट? ठीक है। हाँ, या तो एटलीस्ट हमें ऐसे सिचुएशन में बताए, हमसे बात करे जहाँ पे वो शुरुआत हो उसकी। पैचेस जब बनने शुरू होते हैं डॉग के बॉडी में तो वो दिखने लग जाते हैं बहुत आराम से, लेकिन जब हमें कॉल आता है तब तक डॉग के तो पूरे बाल उड़ गए होते हैं, या तो उसको बहुत खुजली की वजह से घाव हो जाते हैं। और मेम साहब का जो हमने सोचा था अबॉर्शन, वही करना? सर नहीं, अबॉर्शन तो नहीं किया हमने, बच्चा इंड्यूस किया था ताकि वो जो इंड्यूस करने का क्या मतलब होता है, कुछ दवाई देना जिससे बच्चा जल्दी आ जाए। हाँ, डिलीवरी जल्दी हो जाए, क्योंकि इसकी कंडीशन बिगड़ रही थी, ये उठ नहीं पा रही थी, इसके पैर में भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी थी जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था, तो कहीं गाय के भी, हाँ जी, कहीं इसकी भी जान को खतरा ना हो जाए, इस वजह से हमने बच्चा इंड्यूस किया ताकि डिलीवरी जल्दी हो जाए। वैसे भी ये फाइनल स्टेज पे था ही, लेकिन बच्चे का साइज बड़ा था ना, तो इसलिए डिस्टोशिया की वजह से अर्ली मॉर्निंग जो इसकी डिलीवरी होनी थी वो बच्चा फंस गया। हमने पहुंच के सबसे पहले इसको चेक किया, क्योंकि हमें गोरू का कॉल आ गया था, वो फीडिंग कराने आए थे मॉर्निंग में, लेकिन बच्चा मर चुका था। जब हमने निकाल दिया तो बच्चा मरा हुआ था। एटलीस्ट अभी इसकी कंडीशन पहले से बेटर है, सॉरी, इसकी कंडीशन है भी बेटर, बच्चा भी बच जाता तो क्या मतलब, बाहर जाके कौन सा ऐसा तो है नहीं ना कि भाई ये राजनेता के बच्चे हैं कि फुल चौड़े होके घूमेंगे। अब इसका बच्चा बड़ा क्यों था? क्योंकि भाई किसी ने इसका दूध लिया, सड़क पे गाय छोड़ दी, वो सड़क पे लोगों ने बैल भी छोड़ रखे हैं, बैल किसी के काम आते नहीं, जिस मर्जी से वो क्रॉस होगी, और यही सब प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बड़ी अजीब सी बात है, लोग हमें कहते हैं कि भाई आप दूध पीने को छोड़ने को कहते हो, इससे गऊ वंश का नुकसान है। इससे गऊ वंश का कैसे नुकसान है? आप सिंपल सी बात बताओ, मान लो कि एक जगह 50,000 गाय हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई आप इनसे दूध मत लो, इनको मल्टीप्लाई करना बंद करो, क्योंकि दूध के लिए हर गाय को प्रेग्नेंट किया जाता है, उसके बाद बूढ़ी गाय सड़क पर आती है,
बछड़े जो हैं वो सड़क पे आते हैं, भैंसों को तो काट के बेच ही दिया जाता है। तो साल दर साल 50-50-50 हज़ार गायें मरती रहें, या एक बारी भाई 50 हज़ार गाय का इस्तेमाल होना बंद हो, और जो लोग गौ प्रेमी हैं जो हमारे जैसे हैं वो खाद के लिए पाल लेंगे और कुछ नहीं, तो वैसे तो सिर्फ सेवा के लिए भी पाल ही सकते हैं। ये भी है ना कि कॉल करते हैं जब इंजरी होती है तो प्रेशर ऐसे डालते हैं कि जैसे पता नहीं, मतलब हमारी सिचुएशन जानने के बाद भी बहुत प्रेशराइज किया जाता है हमें कि गाय को इतनी इंजरी है, वो गौ माता इतने दर्द में है, लेकिन वही तुम सेम जाके फिर घर में जाके दूध पी भी रहे हो और घर में बच्चे भी हैं सब। दूध तो छोड़ ही दो, मैं कहता हूँ कि सरकार हर चीज़ पे सेस इकट्ठा करती है। हिमाचल में इतनी शराब की बिक्री है, हर शराब की बोतल पे एक काओ का वो है, काओ सेस है, वो पैसा कहाँ जा रहा है भाई उससे? और कुछ नहीं तो ठीक है, लोगों ने दूध पीना छोड़ना नहीं, डेयरी वालों ने गाय को सड़क पे निकालना छोड़ना नहीं, तो कोई बड़े बड़े गांव वन ही खोल दो जहाँ पे कम से कम उनका बुढ़ापा तो ठीक से कटे। चौथा केस हमारा वो डॉग को टीवीटी का इशू है। तो इसका भी वही चार हफ्ते तो होने ही है, चलेगा। आपने ना ट्रीटमेंट भी किया था बीच में, लेकिन दो इंजेक्शन दिए थे उसके बाद वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, फिर वो अच्छा नहीं हो पाया। फिर पालते कोई इसको खाना खिलाते हैं? तो नहीं है, लेकिन ऐसे बिना जीव के जानवर है तो हम रोटी रोटी खिला देते हैं, धर्म का काम ही है। तो हम लोग काफी बार गए हैं, हमने ट्रीट ऑन स्ट्रीट भी किया है, लेकिन ये पकड़ में नहीं आती, बहुत मुश्किल होती थी। पिछली बार भी दो डोज हुए थे, तीसरे चौथे डोज के लिए वो पकड़ में ही नहीं आए हमारे, हमने कल भेज ही दिया कि नहीं अब ले ही आओ करके। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे अभी हमने अपने स्पीति के लिए केनल्स बनाए थे ना जो कोई भी असेंबल कर सकता है, आप लोग भी एक ऐसा कैनल बना लीजिए, हम एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे कि ये कैनल बनता कैसे है। 3500 रुपये में आपका करीब कैनल बन जाएगा ये एक। और कोई भी ऐसा केस हो जिसको आपको ट्रीट करना है तो आप घर पे ही बालकनी में छत पे कैनल रख के उसको ट्रीट कर सकते हैं। मुझे आप सारे रिलीजेस बताओ कि क्या कौन कौन एनिमल्स यहाँ से गए हैं। सर हमारे दो किटन्स अडॉप्ट हो गए, बटरफ्लाई और एक सेकेंड सॉरी नाम था उसका बटन, बटरफ्लाई और बटन। ये बता दूं कि ज्योति आज अच्छी न्यूज़ बताते हुए भी लो इसलिए लग रही है कि इसका दिन जा रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, और वो स्ट्रेस मेरे बताने से समझ नहीं आएगा, जब आप यहाँ पे कभी आएंगे और एक दिन काम करेंगे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। कुछ एनिमल रिलीज भी हुए हैं, गंगोत्री अपने जगह वापस चली गई है, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी, स्कूटी की रिकवरी तो बहुत ही अच्छी हुई है, जो कि उसको एक फ्रैक्चर था फीमर के हेड पे, वो कैल्शियम सिरप के साथ ठीक हो गया, रेस्ट के साथ ठीक हो गया, केज रेस्ट के साथ अपने आप हील कर गया, और जो उसका जो आर्थराइटिस का इशू था वो भी हमने कम करने की कोशिश की, जिसमें बहुत फ़र्क आया। जो अपना पीछे वाला हिस्सा उठा के चलती थी ना सिर्फ आगे के दो पैर से, वो अभी पूरे चारों पैर अपने इस्तेमाल कर रही थी, उसकी स्पेस सर्जरी हुई जो कि 4 दिन में रिकवर कर गई और वो अपने एरिया में वापस चली गई। नाइस वेट, तो मास्टर जी की हमारे पास अच्छी न्यूज़ थी, मैंने आपको बतानी थी। उस पे आने से पहले मुझे एक बात, तो मूली को हमने कल पालमपुर इसीलिए भेजा ना कि उसके भी फीमर के हेड पे फ्रैक्चर है? हाँ जी सर, उसके साथ साथ उसके दूसरे पैर में एक फीमर फ्रैक्चर भी है ना, तो जो वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग तो हमें अभी सर्जरी करानी पड़ेगी, जो दूसरे पैर का फीमर फ्रैक्चर है उसकी। और फीमर का जो हेड है वो अपने आप सर, वो अगर हील होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हमें बाद में फिर उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। ओके, और स्कूटी के केस में वो अपने आप हील हो गया, हमें सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। ज्योति मेरे साथ ना बड़ी पेशेंट रहती है, क्योंकि मैं तो सवाल ऐसे पूछता हूँ जैसे कोई 5 साल का बच्चा पूछ रहा हो। बचपन से मुझे सवाल पूछने के लिए इनकरेज किया गया, कभी ये नहीं कहा गया भाई तुम सवाल बहुत पूछते हो, एंड आई एम ग्लैड कि ज्योति इसको झेल जाती है। ठीक है, मास्टर जी का बता दो। सर मास्टर जी को विनीता के पास हमने वापस शिफ्ट कर दिया है अभी, जहाँ पे वो एटलीस्ट एक कैनल में नहीं रहेगा, वो फ्री रहेगा। विनीता वही है जिनको हमीरपुर में थी वो? हाँ जी, वो पहले हमीरपुर में थे, अभी वो नदौन में शिफ्ट हो गए। हाँ, गाँव में लोग बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट इकट्ठे हो गए थे कि भाई आपने बड़े एनिमल रख रखे हैं, उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिली, इवन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली, उन्हें अल्टीमेटली मूव होना पड़ा, और तब भी वो ये रेस्क्यूज और फॉस्टरिंग का काम जारी रख रही हैं। यस सर, अभी भी तो अभी ऐसा है कि एटलीस्ट मास्टर जी एक ओपन एरिया में हैं, तो मास्टर जी के लिए एटलीस्ट अभी सब कुछ सही चल रहा है। एक आपने कहा था जो ब्रीडर हैं
वो मास्टर जी के लिए? नहीं सर, वो रॉबिन के लिए कॉल आया था हमें, लेकिन ऐसा है ना, मैंने उनको सबसे पहले ये बोला आपको क्यों चाहिए सर, हम तो बिना न्यूटर करे डॉग को देंगे नहीं। वो हमसे पहले भी रेस्क्यूज में हेल्प कर चुके हैं हमारी, हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन रेबीड केसेस थे काफ़ी थे, तो हम वहाँ पर मदद करने गए थे। उन्होंने अपने कैनल में डॉग्स को रखा हुआ था आइसोलेट करके, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। वो वीडियोज़ देखते हैं उन्होंने कॉल किया कि भाई वो आप उस डॉग को कैसे मैनेज करो, एक छोटे से कैनल में रखोगे एंड उसके बाद फिर वॉक्स वगैरह, ऐसे में वो और स्ट्रेस होगा, उसका बिहेवियर इशू बढ़ता जाएगा, तो मैं कर सकता हूँ, आप न्यूटर कर दो भले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको अच्छी वॉक्स मिलेंगी, हमारे यहाँ वर्कर्स हैं जो वॉक करा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो इसलिए वो रॉबिन को वहाँ पर लेना चाह रहे हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है देखिए, क्योंकि कायदे से तो जैसे हमारा और ब्रीडर्स का 36 का आंकड़ा होता है, हम कहते हैं भाई ब्रीडर्स अधिकतर क्रूअल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते हैं, भाई फीमेल जब बड़े भारी लिटर दे चुकी होती है वो फीमेल को फेंक देते हैं, या जो बच्चे अडॉप्ट नहीं होते वो उन्हें फेंक देते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई जब गली में इतने कुत्ते हैं अडॉप्ट करने के लिए, तो आप ब्रीडिंग करके नए कुत्तों को क्यों ला रहे हैं? तो ये हमारे एथिकल डिफरेंसेस हैं, पर इसके बावजूद अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं और रेबीज वाले डॉग्स में हेल्प कर रहे हैं, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं न्यूटर डॉग को, तो वाई नॉट? आपका क्या कहना है आप कॉमेंट्स में बताइएगा। मुझे उनका बता दो जो डॉग्स यहाँ पे हैं, एक तो देवी की सर्जरी हुई। हाँ सर, उसके आई का जो सूचरिंग हमने पोस्टपोन कर रखा था क्योंकि वो बहुत वीक है, एनेस्थीसिया के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती थी, तो अब जो कि उसकी हेल्थ अच्छी हो गई है, ब्लड टेस्ट वगैरह से भी हमने कंफर्म कर लिया, उसके बाद आई की सूचरिंग कर दी है, अभी ठीक है, उसका एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अभी उसको वापस से अडॉप्टेबल में शिफ्ट करना होगा, लेकिन वही है कि अब अडॉप्टेबल को फिर हमें दो दो डॉग्स को एक कैनल में रखना पड़ेगा। क्या कहूँ मैं उस बारे में तो। और इंस्पेक्टर विजय की एम्प्यूटेशन हुई है? हाँ जी सर, इंस्पेक्टर विजय की एम्प्यूटेशन हो गई है, हालांकि बहुत पुराना वूंड था और जो टक्कर लगी उसके वजह से शरीर में भी काफ़ी जगह में इंटरनल इंजरीज है, इस वजह से थोड़ा सा वीक चल रहा है, खड़े होने में दिक्कत आती है, हमें जाके उसको उठाना पड़ता है ताकि वो खाना खा सके ठीक से। मल्टीविटामिन्स भी चला रखे हैं, पहले से बेटर है लेकिन समय बहुत लगना है। हमारा एक डॉग वापस भी आया ना? हाँ सर, ध्यान से चिंगारी लगाएगी तुम्हें। सर सुशी वापस आ गई है जो कि यहाँ शाहपुर में ही अडॉप्ट हुई थी, बहुत प्यारी डॉग है, बिहेवियर इश्यूज बिल्कुल नहीं है, बहुत सुंदर भी है, लेकिन उन्होंने बोला था कि नहीं मैं यहीं पे पढ़ूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, नहीं भी रहा तो मेरी फैमिली रखेगी डॉग को, पहले भी हमने रखा हुआ है, लेकिन इनका ऐसा हुआ कि इनकी फैमिली पीछे हट गई कि नहीं हम नहीं रखेंगे, और जो लड़का था वो पढ़ाई करने चला गया, तो उसके पीछे से डॉग यहाँ पर उसने फ़ोन कर करके यहाँ पर छुड़वा दिया वापस, लेकिन डॉग बहुत सही है, कोई बिहेवियर इश्यूज नहीं है, लेकिन हाँ वो अब एकदम से कैनल में नहीं रह पा रही है, स्ट्रेस में आ जा रही है, इस वजह से हम उसको फॉस्टर करा रहे हैं बाहर। मुझे थोड़ा शर्म आ गई है बोलते ही, जैसे ही मैंने ज्योति को बोला कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो घर वापस क्यों आ गई है, जैसे लोग समाज में कोई लड़की भाई जिसकी शादी वर्कआउट नहीं करती वो आ जाती है कि ससुराल वाले अब्यूजिव थे तो घर आ जाती है, तो लोग कहते हैं ना कि लड़की में ही कोई कमी होगी, बजाय कि सर्कमस्टांसेस को समझे। सर एक सेकंड, राज, राज। हाँ जी सर, कौन है? जो भी है उसको निकाल लेना ना थोड़ा देर, सुशी है, सुशी को दे दो उधर ना क्लिनिक में, केज में नहीं रखते ना उसको, और अभी जैसे नेहा यहाँ आ जाते हैं तो सुशी को भी लेके आते हैं साथ में। वेट, तो नेहा कितनों को फॉस्टर कर रही है? नेहा एंड नकुल फॉस्टर कर रहे हैं, लेकिन नेहा ध्यान रखती है ना बेसिकली, तो नकुल भी अभी काम पे है, नेहा यहाँ पर आए हुए हैं, तो डाकू और सुशी दोनों को वो यहाँ पर लेके आते हैं। एक और जो हमारा डॉग अडॉप्शन के लिए रेडी हो गया है जो अब प्ले पेन में मैं देख रहा था, बघीरा है वो। हाँ जी, बघीरा का रिकवरी भी बहुत अच्छा हुआ है, उसकी जो नर्व डैमेज थी पीछे वाले हिस्से में वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है, अभी अच्छे से। तो ये तो मेल है? हाँ जी सर मेल है, उम्मीद तो है, लेकिन अगर हमारी सुशी अडॉप्ट नहीं हुई ना तो हम बघीरा को भैया रिलीज कर देंगे। लोग भी तो यही करते हैं, गुस्सा किसी पे होता है जाके निकालते किसी पे आजकल। लोगों का जो पशुओं के प्रति व्यवहार है एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, लोगों का जो हमारे साथ व्यवहार है, हमारे से उनकी इतनी उम्मीदें हैं, हमारा 5 बजे OPD बंद हो गया, लोग 7-7:15 आ जाएंगे, उसके बाद अगर हमारे यहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो कहेंगे कि क्यों भाई इतने बजे क्या पशुओं की वैल्यू खत्म हो जाती है? नहीं, पशुओं की वैल्यू नहीं खत्म हो जाती भाई, हमें हमारे स्टाफ की लिमिट्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी लिमिट्स की रिस्पेक्ट करनी है, ताकि हम जीवन भर ये काम कर सकें। और क्या होता है कि भाई हमारे पास जगह भी कम है, हम इतने स्पेस केसेस नहीं ले सकते, तो उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई मतलब रेपुटेशन ख़राब होती है, कि साफ सी बात है 10 में से हम सिर्फ
दो ही केसेस ले पाएंगे, आठ लोगों को हमें मना करना पड़ता है। और रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है भाई जो बड़ी जल्दी खराब हो जाती है। एक छोटी सी बात होती है और एक लॉन्ग इनफ टाइम लाइन पर कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, कि हमने 10 बारी आपको हंसाया होगा, 1 बारी हम आपको मना करेंगे और आप कहोगे कि भाई ये लोग ही बेकार हैं, तो मैंने तो रेपुटेशन की परवाह करनी छोड़ दी है। और भी अपडेट्स हैं पर मेरे को तो अभी ऐसा लगता है ना कि हमें वीकली अपडेट के जगह की डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी इतना कुछ होता है यहाँ पे। दिन भर में दूर दूर से लोग भी आते हैं ना यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए। कल ही एक केस आया था, मैंने उनको बोला भी आप इतने दूर से क्यों आए हो, ठीक है डॉग खाना नहीं खा रहा, पहले वहाँ चेक करा लेते। उन्होंने बोला मैम टाइम ही वेस्ट होता, आप मुझे किसी ने रिकमेंड किया है ना, और किसी ने इसलिए वो यहाँ पर रानीताल से इतने दूर से आए थे। एक लेडी भी आई थी अपने एक छोटे से पपी को लेके, वो पहले ट्रीटमेंट करवा चुकी थी लेकिन उन्होंने पीसीएम दे दिया डॉग को, पीसीएम पैरासिटामोल इंजेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं नहीं तो उसकी कंडीशन और बिगड़ गई। लेकिन जैसे वो यहाँ आए, उनकी ट्रीटमेंट हुई और 2 दिन बाद उनका मेरे को वॉइस नोट आया कि डॉग की कंडीशन बहुत बेटर हो गई एंड वो बहुत खुश थे, क्योंकि वो जब यहाँ आए थे बहुत रो रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही है हमारे साथ। हम अगर हम नहीं ले पा रहे हैं डॉग्स को, तो एटलीस्ट हम वहीं पे ऑन स्पॉट हेल्प पहुंचा रहे हैं लोकल लोगों से ही, क्योंकि अब हम जानने लगे हैं, कॉन्टैक्ट बनने लगे हैं, लोग हेल्प करने को भी रेडी है हमारी। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही है। Hey, that is so good. ना जब हमने अपडेट शुरू किया तो ज्योति लो थी, मैं एकदम पम्प्ड अप था। अब अपडेट खत्म कर रहे थे तो मैं लो हो चुका था, पर ज्योति पम्प्ड अप है और मैं भी पम्प अप हो गया हूँ। और ऐसे ही हमें एक दूसरे को भी उठाना है और काम करते रहना है।